हेलो गाइस, आज हम आपके साथ हमारी जो कोविड की स्टोरी है या फिर हम लोगों का जो कोविड का जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये मार्च फर्स्ट वीक की बात है कि रोशन को हाई फीवर और बॉडी पेन हो रहा था। तो हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने सोचा कि नॉर्मल बुखार ऐसे ही आया है, तो रोशन ने घर में जो दवाई रखी थी वो खा लिया। लेकिन कम नहीं हो रहा था, उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट डे हमने क्या किया कि यहाँ पर पास में हम लोग का एक हॉस्पिटल है, वहाँ चले गए। तो वहाँ गए तो टेम्परेचर चेक हुआ और फिर बॉटल चढ़ाया उन्होंने। उसके बाद मेरा जो बॉडी पेन और फीवर था वो काफ़ी हद तक कम हुआ, क्योंकि मेडिसिन अंदर गए तो। और फिर उन्होंने बोला कि एक्सरे करा लो, और एक्सरे में रोशन के चेस्ट इन्फेक्शन दिखा रहा था, तो उन्होंने ऐसे कुछ कफ या कुछ ऐसे फील नहीं कुछ हो था रहा नहीं था। तो उन्होंने क्योंकि बॉडी पेन, हाई फीवर और चेस्ट एक्सरे में इन्फेक्शन था, इस वजह से उन्होंने कहा कि पीसीआर टेस्ट ले लो। तो हमने फिर पीसीआर टेस्ट रोशन ने ले लिया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद हम लोग टेस्ट रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और फिर रात हो गई, मैं सो गई, रोशन को नींद नहीं आ रही थी। और नेक्स्ट डे रात को 2:30 करीब इतना अच्छे से प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे थे, हम लोगों के हिसाब से हम बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे थे, तो हम लोग ने ऐसे सोचा नहीं कि हमें कोविड इन्फेक्शन होगा। लेकिन रिजल्ट कोविड पॉजिटिव था। फिर रोशन ने मुझे उठाया, मुझसे बोला कि ऐसे पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हमें नींद नहीं आई। करीब 3:30 करीब मेरे को वैसे ही थोड़ा थोड़ा थकान फील हो रहा था, मुझे भी फिर बॉडी पेन और हाई फीवर और बॉडी पेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद सुबह कुछ ऐसे ही चार पाँच बजे करीब वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग मीन्स ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पेट दबा के मुझे वॉमिटिंग, रात को जो भी खाना खाया था पूरा वो सब कुछ वॉमिट कर लिया था, और इवन डाइजेस्टिव जूसेस भी निकल रहे थे। अच्छा, सीवियर वॉमिटिंग होने लगा था। तो हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने MOH में कॉल किया, और रोशन की, क्योंकि रोशन कोविड पॉजिटिव है, उन्होंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताए, और फिर गार्गल करने का, स्टीम लेने का, ये गर्म पानी पीने का, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और मेरे बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे तक में शारजा में रहमानिया में कोविड सेंटर है, वहाँ जाके डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के लिए उन्होंने कहा। और क्योंकि रोशन कोविड पॉजिटिव और मैं यहाँ पर साथ में रह रही हूँ, तो इसलिए अब मैं नॉर्मल टैक्सी में ट्रैवल नहीं कर सकती। और मेरे को 10 दिन का होम क्वारंटीन बोला गया था, और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। हाँ। इसलिए ज्योति अकेले फिर कोविड सेंटर गई, मैं रहमानिया गई। वो कैसे, कोविड टैक्सी हमने बुक किया था, तो वो कोविड टैक्सी घर आती है, हमें लेके रहमानिया तक लेके जाती है, और फिर वापस भी हमें वापस लेके आती है। तो मैं रहमानिया गई कोविड सेंटर, वहाँ पर मेरा चेकअप हुआ। वहाँ पर मुझे भी बोला गया कि चेस्ट एक्सरे, हाँ चेस्ट एक्सरे मेरा भी लिया गया, फिर PCR टेस्ट भी लिया गया, और उसके बाद मेडिसिंस दिए गए, और उसके बाद मुझे वॉच पहनाया गया, स्मार्ट वॉच पहनाया गया। कोविड जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग आपको एक स्मार्ट वॉच देते हैं, तो उससे वो आपका जो आपका ये मॉनिटर करते हैं कि आप अपने घर पे 10 दिन का जो होम क्वारंटीन है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हाँ। क्योंकि अगर आप अपने घर के बाहर निकलते हैं तो उनको मैसेज चले आता है, और आपको बहुत ज़्यादा हेवी फाइन भी लग जाता है उसको। हाँ, तो इस कारण से हेवी फाइन मींस, अच्छा हेवी फाइन है वो, तो इस कारण से मुझे वॉच पहनाया गया था। और वो वॉच जो है वो स्क्रू करके वो लोग वो परमानेंट, मतलब वो 10 दिन के लिए वो आप अपने हाथ से हम नहीं उतार सकते। वो वाटरप्रूफ है, वो पहन के हम नहा भी सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वॉच का हम अभी इमेज अभी यहाँ पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। वॉच जब आपको लग रहा होगा वहाँ पर, तो एक छोटा सा टिप आपको देना चाहते हैं। हाँ। कि क्योंकि ये आपके 10 दिन तक आप ये उतार नहीं सकते, तो इस वजह से आपको ये बिल्कुल ध्यान रहे कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना पहना दे, क्योंकि वहाँ पर वो आपको टाइट ही पहनाएंगे।
तो एक बार ये चेक कर लो कि आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं लग रहा। अगर डिस्कम्फर्ट लग रहा है आपको, वहीं पर उसी टाइम पर उनको बता दो कि थोड़ा सा लूज़ और कर दे करके, क्योंकि मैं भी गया था ज्योति के घर आने के पहले, मैं भी, मेरे को कॉल आया वहाँ से और मैं भी चला गया था और फिर मैं भी वॉच पहन के आ गया था। लेकिन उस दिन रात को हम दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो हम दोनों को मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरा मेरा तो बहुत ज्यादा टाइट था। तो अगले दिन हमको फिर टैक्सी पकड़ के परमिशन वहाँ लेके, क्योंकि हम दोनों के हाथ में वॉच वॉच है, था, तो तो इसलिए इसलिए हमने घर एमओएच से से बिना परमिशन परमिशन के हम घर से बाहर नहीं नहीं निकल निकल सकते, तो सकते। एमओएच से हमने परमिशन ली। उसके बाद कोविड टैक्सी बुक किया और फिर हम गए और फिर और हमारा वॉच हम हमने दोनों का लूज वॉच किया हमने लूज करवाया करवाया। तो इससे अच्छा यही है कि जब वॉच जब वॉच पहना रहे पहना हैं उसी उसी टाइम पे टाइम आप पर देख लीजिए कि कहीं बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, क्योंकि 10 दिन तक आपको ये वॉच पहने रखना है। उतारनी वॉच एक्टिवेशन के बाद मैं आ गई थी, फिर रोशन भी थोड़ी देर बाद आ गए। तो फिर मैं मेडिसिन्स लेके आई थी, वो मेडिसिन्स मैंने खाए। 5 डेज के लिए हम दोनों के लिए मेडिसिन्स मिले हुए थे, तीनों टाइम जो हमें खाना था। तो फिर मेरा जो टेस्ट रिजल्ट था वो आया नहीं था। हम लोग को है। लगा लेकिन था, थकान था, हम दोनों को हाँ अच्छे से थकान थकान हो था, गया। हम लोगों ने सोच लिया था कि क्योंकि रोशन पॉजिटिव है तो मैं भी तो कोविड पॉजिटिव ज्योति होंगी भी करके पॉजिटिव ही होगी ये हमने सोचा था, सोच कि लिया था। क्योंकि एक ही साथ रह रहे हैं यहाँ पर, खाना एक साथ खा रहे हैं, सब कुछ एक साथ ही है, तो हमको लगा कि शायद ज्योति भी पॉजिटिव होगी, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो वो नेगेटिव था। नेगेटिव था, कोविड नेगेटिव, तो हम हम लोग लोगों सोचा बिल्कुल कि चौंक गए ऐसे कि ऐसे कैसे कैसे हो सकता है ऐसे कि कैसे। मैं पॉजिटिव और ज्योति नेगेटिव, फिर उसके बाद उस कारण से मैं मास्क पहन के घर पे घर में घूमती मास्क पहन के रही। घूम और रहे। हम हमने लोगों ने वॉचमैन से वॉचमैन बोल से के एक और मैट्रेस मंगवाया, तो ज्योति लिविंग रूम में सोती थी और मैं बेडरूम बेडरूम में। में इस तरह से हम लोग रहने लगे। और फिर हमारा जो रूटीन था वो ऐसा था कि हम रात भर सोते थे, थकान बहुत ज्यादा होती बहुत थी। ज़्यादा थकान होती थी क्योंकि मेडिसिन जो थी मेडिसिन वो वो भी हैवी हेवी डोसेज डोसेज भी था और होते हमें तकलीफ भी थी, तो थकान थे, थकान अच्छी उसका था, खासी होती थी। फिर उसके बाद हम रात भर सोने के बाद सुबह उठते थे, मेडिसिन खाना था ना, इसलिए हम दवाई इसलिए ये खाना खाना खाते खाते थे थे, और मेडिसिन मेडिसिन लेते थे। खाते थे, फिर दवा मेडिसिन खाने के बाद फिर से स्टीम स्टीम और गार्गल, गार्गल फिर किए, से फिर से सो सो जाते गए। थे। यही और चीज पूरे तीनों टाइम ये पूरा चलता रहा, ऐसा ही चलता जाता था। हाँ, ये दोपहर को भी वही, फिर सोना, फिर शाम को वही, फिर सोना। और हाँ, ये हम लोग ने जो स्टीम लेना और गार्गल करना ये हमने तीनों टाइम किया है। तीनों ये टाइम डेली करते थे, डेली डेली हम करते थे। तीनों टाइम अब खाना और मेडिसिन के साथ स्टीम लेना और गार्गल करना, तीनों टाइम हम ये इतने दिन करते करते थे। और फिर जो भी हम खाते थे गरम ही खाते थे थे, गरम और पानी, गरम गरम पानी ही सूप, पीते थे। ये खाना सब हम कन्नी पायर गरम, और फिर नौर का गरम सूप थोड़ा अच्छा लगता था वो बहुत अच्छा इसलिए। लगता था, क्योंकि इस दौरान मैं एक्चुअली एक छोटा सा प्रॉब्लम और मेरे को हो गया था, कि छोटा सा प्रॉब्लम मतलब मेरे को जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके उसके सेकेंड डे सेकेंड से डे से मेरे को थ्रोट में प्रॉब्लम होने लगा, थ्रोट में इरिटेशन होने लगा, एक्चुअली थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था मेरे को, और इसके कारण मैं ना तो खाना ढंग से खा पा रहा था और इवन सलाइवा भी निगलने में निगलने बहुत में बहुत ज़्यादा ज्यादा पेन होता पेन हो था रहा था, मेरे। मतलब सीवियर और पेन उसके था। कारण रात को सोने की कोशिश करो तब भी इरिटेशन और होता ड्राई था कफ भी और होता ड्राई था। कफ जैसे आता था, तो उस वजह से बहुत इरिटेशन होता था। वो 4 दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था रात को, दिन में हालांकि ठीक रहता था फिर। और एक और चीज हम दोनों के साथ जो हुआ, एक दिन सुबह उठते ही, मीन्स 3rd या 4th डे सुबह उठते ही हम दोनों का एक साथ ही स्मेल स्मेल चला गया, सेंस चला ऑफ गया, स्मेल चला गया। परफ्यूम हम लोग स्मेल करने की कोशिश करते थे लेकिन कोई स्मेल फील ही हम नहीं लोग होता था, मतलब हम लोगों परफ्यूम को इतना भी अगर नाक के पास में लेके आए कोई कोई स्मेल स्मेल नहीं, नहीं कोई था। स्मेल नहीं। हालांकि ये 3-4 दिन के लिए था, उसके उसके बाद बाद फिर अपने आप वो वो धीरे सही धीरे हो करके गया सही हो था। गया, और लेकिन टेस्ट में हमें ऐसे कुछ ज्यादा फर्क फर्क फील भी नहीं हुआ नहीं हुआ था। हम लोगों को। और इस तरह से इतने सारे सिम्टम्स और मेरा जो टेस्ट रिजल्ट था नेगेटिव आया, इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया और पूछा कि क्या मैं एक और बार टेस्ट ले सकती हूँ। तो तो डॉक्टर ने उन्होंने बोला कहा कि
कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तुम पॉजिटिव हो। कोविड पॉजिटिव हो करके डॉक्टर ने बोला, जब तक वॉच है मेरे पास उन्होंने बोला टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ करके। उसके बाद फिर मैंने जो मास्क मैं पहन के घर पे पहन के घूमती थी मैंने हटा दिया, अब कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो हम दोनों कोविड पॉजिटिव है। बस यही था कि हम मेडिसिन लेते थे और बाकी जो रूटीन जो हमने बताया वो चलता रहता था। बस ये था कि बहुत थकान होती थी, बहुत ज्यादा हमें होती थी बस, तो बस ऐसे ही। और इस दौरान हमारे खूब सारे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, फैमिली मेंबर्स ने मेरे साथ जो काम, जिनको भी पता चला मेरे कि हमें कोविड है, उन्होंने हमें मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, मेरे स्कूल के कलीग्स सब लोगों ने मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू कांटेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और इस दौरान हमारे वॉचमैन ने भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हम व्हाट्सएप में जब ग्रॉसरी का लिस्ट, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, हम लिस्ट उनको भेज देते थे तो वो खरीद के यहाँ पर डोर के पास में वो छोड़ के चले जाते थे और फिर हमें मैसेज कर देते कि यहाँ पर रख दिया है, तो हम डोर खोल के ले लेते थे। इस तरह से उन्होंने खूब हमें हेल्प किया है। तो बस इसी तरह से था हमारा कोविड का एक्सपीरियंस। फिर जो हमारे डॉक्टर्स थे मोहित से, वो डेली हमको कॉल करते थे और डेली दो टाइम कॉल करते थे हमारे शाम को, हमारे हेल्थ के बारे में हमसे पूछते थे और ये बोलते थे कि कुछ भी इमरजेंसी हमें फील हो तो हम उनको कॉल कर सकते हैं या फिर एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। तो बस अगर किसी भी तरीके से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट एम्बुलेंस को कॉल करें और सीधा हॉस्पिटल चले जाएं। हाँ, और फिर जब 10 डेज हमारा हो गया क्वारंटीन का, तो हमें फिर मैसेज आया कि हम वॉच डीएक्टिवेशन के लिए चले जाएं करके वहाँ रहमानिया। तो हम वहाँ गए, वॉच हमारा उतरा, उसके बाद हमें एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला। उसमें ये लिखा हुआ है कि अब हमारे थ्रू किसी और को इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो फिर हमारा वॉच भी उतर गया, ऐसा सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो फिर हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। तो ऐसा था हमारा कोविड का एक्सपीरियंस, हमारा कोविड का स्टोरी। हाँ, ये है कि रिकवर होने के बाद भी थकान बहुत ज़्यादा थी। ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, ये जो एक्सपीरियंस है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इवन हम दोनों का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था। एक चीज़ हम आपसे बोलना चाहेंगे कि यार कोविड को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता, बहुत सीरियस है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। और गर्म खाना खाना, गर्म पानी पीना, जितना भी मतलब आप कंज्यूम कर रहे हो प्लीज़ हॉट चीज़ें ही कंज्यूम करना, और स्टीम लेना, गार्गल करना, ये सब आप फॉलो करना, फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का सिम्टम्स अगर आपको हो रहा है तो प्लीज मेडिकल अटेंशन लेना, ख्याल रखिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर कुछ है तो आप कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हाँ उसके बगल में जो बेल बटन है वो क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलते हैं उसमें ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे जो जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बस यहीं पे हम अपना वीडियो आज का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।